शिक्षा के दो भाग हैं। शिक्षा का एक भाग वो है जिसमें हम कौशल की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, हमको भाषाओं का ज्ञान हो जाए, तमाम तरह की सूचनाएं हमको उपलब्ध हो जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक हो जाए, हमको साइकिल चलाना आ जाए, कंप्यूटर चलाना आ जाए, सॉफ्टवेयर लिखना आ जाए, हम इंजीनियर हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, हम मंत्री जी हो गए, तो जो भी कुछ हम हुए, हम किसान हो गए, है ना, हम एक उद्योग चलाते हैं, तो जितने भी प्रकार के हम काम कर रहे हैं वो एक तरह के वो काम है जो बेसिकली स्किल है, कौशल है। ये कौशल से हमारे जिंदा रहने का सामान उपलब्ध हो जाता है, ये हमारे जिंदा रहने में सहयोगी है। दूसरी तरफ बात करें तो एक हमारी मानसिकता है, हम ज्यादा फोकस हमारा इस बात पे है, हमारी मानसिकता है वो किसी दृष्टिकोण के रूप में व्यक्त होती है और उसके आधार पे जब हम जीते हैं, जब मानव का मानव के साथ में जीने का बनता है, तो बेसिकली जब हम मानसिकता की बात कहें तो उसको तीन भाग में कह सकते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण भाग है कि धन के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, धन को लेके आदमी का दृष्टिकोण कैसा है, तो वो आदमी के व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग है कि वो धन के बारे कैसा सोचता है। एक दूसरा दृष्टिकोण है कि स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, स्त्री पुरुष संबंध को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण है। एक तीसरा संबंध है, तीसरा दृष्टिकोण है कि जब हम दूसरे मानव के साथ उठते बैठते हैं, सभी तरह के धर्म, जाति, देश, शिक्षित अशिक्षित, और जब हम नेचर के साथ में जीते हैं, तो इनके साथ हमारा दृष्टिकोण कैसा है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच रही है। जैसे हमने कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये एक प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। फिर हम कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, ये किसी दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। स्त्री पुरुष संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं इस देश में एक आदर्श स्वरूप रहा कि संतानोत्पत्ति के अर्थ में स्त्री पुरुष संबंध को देखा गया, ये एक प्रकार का दृष्टिकोण रहा। एक प्रकार का दृष्टिकोण वेस्ट में रहा कि खुश होने का ये भी एक तरीका है, ये भी एक दृष्टिकोण रहा। फिर हमने मानव के बारे देखा तो रंग को हमने यदि पूरे विश्व के धरातल पर देखें तो रंग के साथ हमारी एक बड़ी मानसिकता जुड़ी रही, गोरा रंग, काला रंग, गोरे लोग, काले लोग, और उसके आधार पर हमने आदमी की गुणवत्ता को भी कहने की कोशिश की इतिहास में, लेकिन ये नहीं स्वीकारा गया। समानता की अपेक्षा मानव में है, समानता का क्या आधार मानव में है उसको धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो बात हो रही है कि एक तरफ तो स्किल की शिक्षा है, इसमें हमने काफी काम किया है, लेकिन एक दूसरी तरफ हम जाते हैं तो यहां मामला थोड़ा शोचनीय हो जा रहा है। एक माँ कहती है कि मेरी बच्ची, जब 3 साल की बच्ची मेरी घर से बाहर खेल रही है तो मैं उसको लेके असुरक्षित महसूस करती हूँ, और वो बाहर खेलती रहे मैं निश्चिंत होकर घर में अपना काम कर सकूं ऐसा मैं नहीं कर पा रही, जब तक वो खेलती रहती है तब तक मैं भी वहां बैठी रहती हूं, ये हमको असुरक्षित करता है। इस तरह की तमाम संदर्भों की तरफ जब हम जाते हैं तो दोस्तों आज मानव को प्रकृति का भय है कि मानव को मानव से भय है, मानव को मानव से भय है, मानव को अपनों से भय है। यदि फिजिकली अब्यूज के मामलों को देखें उन तमाम मामलों में वो हमारे अपने ही लोग हैं, अपने आसपास के लोग हैं, किसी रिश्ते में लगते हुए लोग हैं जहां ये तमाम तरह की गलतियां होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मानसिकता वाले भाग पे काम किए बिना यदि स्किल वाले भाग पे हमने काम कर भी लिया तो इससे हम कोई बहुत सुकून की स्थिति में, सुविधा के मामले में सुकून की स्थिति को पाए हैं, लेकिन संबंध के मामले में एक शोचनीय स्थिति को पाए हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप की छत्र छाया में होता है, वो विद्यालय में जाता है,
वो एक शिक्षक की छत्र छाया में होता है, यदि इस दौरान वो जिंदगी को भी समझने का काम करे, जिस तरह से वो अल्फाबेट सीखता है, जिस तरह से वो और चीज़ें सीखता है, क्योंकि हमारी ये भी एक मान्यता है कि लगभग 12 साल का बच्चा पैसे के मामले में अपनी मानसिकता बना चुका होता है, स्त्री पुरुष संबंध के मामले में एक अपनी मानसिकता बना चुका होता है, दूसरे लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, अमीर के साथ में, गरीब के साथ में, धर्म जातियों और देशों के रूप में वो अपनी एक मान्यता बना चुका होता है। दोस्तों, जब एक बच्चा 12-13 साल में अपनी मान्यताएं बना चुका है, हम कॉलेज में उसको समाजशास्त्र पढ़ाएंगे, मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, अब बहुत देर हो चुकी है। तो आवश्यकता इस बात पे है कि कितनी इफेक्टिवली हम इस चीज पे काम कर सकते हैं।